Hello friend, I myself Sujit, physics mentor, motivational speaker and author. A device consists of a smooth L-shaped rod located in a horizontal plane and a sleeve A of mass small m attached by a weightless spring to a point B. The spring stiffness is equal to x. The whole system rotated with a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the point O. Find the elongation of the spring. How is the result affected by the rotation direction? In this video, author want to say that a spring attached to a L-shaped smooth rod and a nut of mass small m is also connected to a spring. This L-shaped rod move about this hinge with angular velocity omega, and we have to find the elongation in the spring as it move with angular velocity omega. इस problem को हम लोग इस तरीके से solve करेंगे कि जब ये rod rotate कर रहा होगा तो ये जो nut है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सोचें। नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हम इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो इस नट पे एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, तो सेंटर से बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सपोज दैट यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट x दे रखे हैं। सपोज दैट इस स्प्रिंग का लेंथ l होगा, वैसे क्वेश्चन में l का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बाद में इसको l के जगह पे यूनिट लेंथ ले सकते हो, L का वैल्यू 1 ले सकते हो, दिया हुआ नहीं है वैसे, ठीक है। तो आप L लेकर के ही बनाओ, लेकिन आंसर चूंकि जब आप देखोगे तो L के जगह पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आंसर लिखा हुआ है वो यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप L कंसीडर कर लो इसका नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग का, और डेल्टा एल इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आता है। तो यहां से जब यहां तक का लेंथ देखोगे तो आफ्टर इलोंगेशन ये लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल इलोंगेशन है, इसका मतलब यदि इस नट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो के डेल्टा एल इस तरफ लग रहा होगा और एम ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यदि आप इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हो तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो k डेल्टा l का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो k डेल्टा l इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो के डेल्टा एल इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख दें, एल प्लस डेल्टा एल बाय आर, आर से आर कैंसिल हो गया। तो के डेल्टा एल का वैल्यू आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दें तो के बाई एम ओमेगा स्क्वायर, और डेल्टा एल से इधर डिवाइड कर दें तो एल प्लस डेल्टा एल बाई डेल्टा एल, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा एल का वैल्यू। तो के बाई एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू L by delta L plus delta L by delta 1 delta L equals to 1, तो L by delta L plus 1 हो जाएगा। 1 को left side लाएं तो K by M omega square minus 1 equals to L by delta L आएगा। कैलकुलेट करना है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू आ जाएगा एल बाई के बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है।
यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में x को स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो k के जगह पे x पुट कर दें और l के जगह पे 1 पुट करना है। k के जगह पे x और l के जगह पे 1, क्योंकि l का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो l को हम लोग यूनिट लेंथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा l का वैल्यू आ गया 1 बाई एक्स बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग एंड फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा जा रहा है, क्या इसके रोटेशन से कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये यदि क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो क्या इसके इलॉन्गेशन में कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, या ये इलॉन्गेशन कॉम्प्रेशन में बदल जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब है हमेशा इस नट में इलॉन्गेशन ही आना है, कॉम्प्रेशन नहीं आ सकता है। ओके, थैंक यू।